हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज जो इतना ज्यादा ठंड की क्या है बताओ दोस्तों, बहुत ज्यादा ठीक है। और अभी तभी तंबू के ऊपर थे और क्या है ना ये सब भी मतलब इतना ज्यादा ठंड की मतलब क्या है बताओ दोस्तों, ये लोग भी अभी तक उठे नहीं। अभी टाइम कितना हो रहा है यार? हेलो, हाँ ये देखो ये उल्टा सा दिख रहा है उसमें। तो 7 बज गया दोस्तों और 7 बजे अभी उठ रहे हो हम लोग, मतलब उठे तो थे रातों से। और ये मेरा नया फोन ले लिया मैंने, ये देखो 2 GB RAM वाला फोन। ये देखो पीछे 3-3 कैमरा, 4-4 कैमरा है। और इसको कितना पड़ा मुझे पता है? ओनली 300। अरे मुझे इंग्लिश बोलना नहीं था, अभी मैं बाहर जाके देखूंगा बाहर का सीन। और जो है ना कल रात जो है मिला ये देखो सोलर मिला है, सोलर को चार्ज में बैठा दिए अभी। और पास देखो ट्रेन भी खड़ा है और अभी सुबह हो रहा है देखो। और कल जो है मार्किंग आ गया है दोस्तों, मार्किंग मतलब जो जैसे काम करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा ठीक है, मतलब उसके लिए मार्क दिया गया है, दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों ऐसे करना पड़ेगा और ये वाला तो बहुत ही बड़ा गड्ढा है दोस्तों। ये देखो ऐसा बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा, बुता कर ले और ये सब बातें कर रहे हैं। और ये ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ पे हम खाना बनाते हैं। ये देखो चूल्हा और मतलब माचिस नहीं है, उसके वजह से जो हमारा कुंदा वो गया है उस साइड देखो, वो बड़ा सा देखो दिख रहा है ना, तो उधर गया है। और आसपास देखो घर भी नहीं है, ये एक गांव है, दूर है वो भी। और ये भी दिख नहीं रहा देखो अच्छे से, ये भी दूर है और बाकी कुछ नहीं है इधर, हम लोग ही रहते हैं इधर। और ये है गड्ढा। और ये देखो कल रात जो है ना कितने बजे खोदे ठीक है बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक खोदे दोस्तों, सुबह शाम से लेके तब जाके इतना हुआ है। शाम मतलब 4 बजे से खोदा 8 बजे तक, 4 घंटा लगातार खोदे तब जाके इतना हुआ है। तो ये ऐसा है दोस्तों, इतना बड़ा करना पड़ रहा है। और एक बात बताना था दोस्तों, पता है क्या हम जो काम किए कितना दिन पता है? आज 4 दिन होगा ठीक है, और 3 दिन काम हुआ है। 3 दिन में जो है ना 54 गड्ढा खोद दिए हैं। मतलब वो लोग आए और देखे कि बाप रे इतना ज़्यादा खोद लिए इतनी जल्दी, वैसे बोले ठीक है मतलब इतना ज़्यादा खोद लिए क्या ही बात है दोस्तों, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं लाइनिंग देखो, ये सब इसको खोद लिए हैं ऐसे, ये और ऐसे करके भी, ये उस सेट भी है। तो ये देखो ये गड्ढा है ऐसे खोदे हैं। और इसको जो है ज़्यादा रुपये नहीं पड़ रहा दोस्तों, 200 के आसपास पड़ रहा है, 200 से कुछ पड़ रहा है। मतलब 3-4 गड्ढे तो खोद लेते हैं वैसे भी, मतलब खोद लेते हैं 3-4-5 भी खोद लेते हैं तो ठीक है, 200 रुपये में भी मेरे हिसाब से। और ये है तालाब, और ये भी बड़ा तालाब, ये भी बड़ा बड़ा मछली है दोस्तों इसमें, पर जाल जो है बड़ा वाला नहीं है और खेलने के लिए जगह नहीं है, और इधर नहाते हैं आराम से। और दोस्तों क्या है आप लोगों को पता है हम लोग पानी कहाँ से यूज़ करते हैं? पता नहीं आप लोगों को ना, ये दिख रहा तालाब ना, इससे जो है ना खाना बनाते हैं बस ठीक है। और पीने के लिए पानी बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है तब जाके पानी मिलता है। तो 3 बोतल है हमारे पास 2-2 लीटर का, तो मतलब उसको लेके जाते हैं और झोले में भर के लेके आते हैं पीने के लिए बस। और खाना बनाने के लिए इस पानी को यूज़ करते हैं। तो क्या करें दोस्तों, हम तो गाँव के लोग ही हैं, मतलब चल जाता है। तो दोस्तों देखो इधर हम काम कर रहे हैं, अभी मैं कर रहा था और अभी इधर आया, और हमारा कैसा बाबू जो है ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग दिखा रहे हैं अच्छे से। कल रात का ठीक है, मतलब 1 किलो लाए थे और 1 किलो को जो है 200 रुपये पड़ा हमको ठीक है। और रखे थे मतलब रात में जितना खाया, उसके बाद जितना बचा था उसको रखे थे सुबह खाने के लिए, क्योंकि सुबह भी कौन सब्जी बनाएगा सुबह से, वही सोच के ठीक है। और ये है चावल ही बन चुका है देख सकते हैं। ये भी देखो कितना सारा, 4 जन है और कितना सारा चावल देखो, मतलब अभी भी और दोपहर भी और शाम को भी हो जाएगा मुझे लगता है। तो ऐसे ही करेंगे, क्या करें मतलब टाइम ही नहीं हो रहा है ना, तो वही है। तो अभी ब्रश वगैरह करेंगे दोस्तों उसके बाद, अभी ब्रश वगैरह करेंगे उसके बाद जो है खाएंगे, उसके बाद फिर से काम करेंगे। अभी जो 8:30 बज रहा है ठीक है, तो वही है देखते रहना। ये देखो दोस्तों खाने के लिए सब इंतज़ार में है, ये भी और अपुन भी। तो दोस्तों अभी जो है देखो इधर शाम होने वाला है दोस्तों, और ये लोग मैजिक क्या बोल रहे हो। तो दोस्तों देखो ये सब गड्ढा मतलब खोदने के लिए बस थोड़ा सा बचा है दोस्तों, ये दोनों जो है बहुत मेहनत के, बहुत ज्यादा मेहनत,
बहुत ज्यादा मेहनत करे थे ना। ओह माय गॉड, इधर ट्रेन जा रहा है यार, ये दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा कैसे बहुत हुआ, उसका सिक्स पैक देखो यार, हमारा कुंदा बाबू को देखो यार, पूरा एकदम सलमान खान के तेरा दिख रहा है। देखो हमारे नंगल डोड़ा को भी देखो कैसे हमारे नंगल डोड़ा को देखो कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर देखो कितना ज्यादा मिट्टी देखो दोस्तों, और इधर भी देखो। तो यार इसको कितना रुपये पता है, 2000 रुपये, सिर्फ 2000। तो खोदने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया दोस्तों। और दोस्तों अभी जो अंधेरा हो चुका है दोस्तों, और अंधेरा में जो है मतलब बिजली भी नहीं है, और यह जो फ्लैश लाइट मोबाइल का और किसी के फोन में भी आज चार्ज नहीं है। ये देखो पावर बैंक दिख रहा है कि नहीं, ये पावर बैंक यही पावर बैंक है, ये ठीक है। ये देखो मेरे पास 60% है। 60% तुम्हारे में? वही यार, इसके फोन में तो ज्यादा चार्ज है, और मेरे फोन में जो है मतलब आईफोन में कितना पता है 30% बैटरी है, और इसमें जो 20%, और इस पावर बैंक में चार्ज नहीं है। दो पावर बैंक लेके आए थे, दोनों में चार्ज नहीं है। एक जन को मतलब उस गांव में दिए थे चार्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने अरे मेरे को उधर गांव में दिए थे चार्ज करने के लिए, और गांव में जो है चार्ज नहीं कर दिए, मतलब एक पावर बैंक कर दिए, और एक पावर बैंक भी अच्छे से चार्ज नहीं हुआ। तो फिर भी कर रहे हैं चार्ज इसमें और चल रहे हैं। और एक जो वो क्या बोलते हैं ना सोलार दिए थे ना, वो सोलार भी चल नहीं रहा, मतलब लाइट नहीं जल रहा, तो अंधेरे में रहना पड़ रहा है दोस्तों। तो वही है यार, बहुत ही मुश्किल हो रहा है रहना। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो काम छोड़ के जाएंगे। अभी ट्रेन में आ गया यार, थोड़ा वीडियो खत्म करते हैं इसे। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना करो।